चैनल ऑसम इंडियन मॉम। तो फ्रेंड्स, आज का जो ये वीडियो है वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है सारी मदर्स के लिए, उन पेरेंट्स के लिए जिनके अभी छोटे छोटे बेबीज हैं, उन सब के लिए। क्योंकि हम सब जो है अपने बच्चों के लिए कोई ना कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, यानी बेबी केयर प्रोडक्ट्स लेते हैं, और बहुत सारी जो चीजें हैं उसके बारे में सोचते भी हैं, लेकिन हमें क्या एक्चुअली पता होता है कि जो हम प्रोडक्ट्स अपने बच्चों के लिए यूज कर रहे हैं वो हमारे लिए सही है या नहीं है। तो आज ये सारे पॉइंट्स जो है मैं वो यहाँ पर कवर करूंगी और आप लोगों को बताऊंगी कि हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए बेबी केयर प्रोडक्ट्स लेते हुए। तो फ्रेंड्स, हम सबको पता है कि बेबीज की जो स्किन होती है बहुत ज्यादा जो है सेंसिटिव होती है, जेंटल होती है। तो कोई भी प्रोडक्ट जब हम यूज करते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है वो क्लिनिकली प्रूवन है या नहीं है, यानी उसके अंदर सल्फेट, पैराबिन, डाइज, फॉर्मेल्डिहाइड्स नहीं होने चाहिए। तो बहुत सारी बातों का हमें जो है ध्यान रखना चाहिए, लेकिन कई सारे जो ब्रांड्स हैं वो ये क्लेम करते हैं कि जो उनके प्रोडक्ट्स हैं वो क्लिनिकली टेस्टेड हैं। तो अब जो है मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ क्लिनिकली टेस्टेड और क्लिनिकली प्रूफ का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है। बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता है। क्लिनिकली प्रूवन प्रोडक्ट्स होते हैं वो सारे टेस्ट को क्रॉस करके प्रूव होते हैं कि वो बच्चों के लिए बिल्कुल सेफ हैं, जेंटल हैं। लेकिन जो क्लिनिकली टेस्टेड होते हैं, जो कि काफी सारे ब्रांड क्लेम करते हैं कि उनके प्रोडक्ट्स क्लिनिकली टेस्टेड हैं, यानी वो अभी टेस्ट में से गुजरे हैं, लेकिन ये प्रूव नहीं हुआ है कि वो जो है सेफ है बच्चों के लिए या नहीं है। इन बातों का सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए और वही प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए बच्चों के लिए जो क्लिनिकली प्रूवन हो। जैसे कि जो जॉनसन्स बेबी के प्रोडक्ट हैं वो क्लिनिकली प्रूवन प्रोडक्ट्स हैं, बिल्कुल प्रूव, यानी सारे टेस्ट क्रॉस करके वो प्रूव हुआ है कि ये बच्चों के लिए सेफ एंड जेंटल है। तो इन बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए जब भी हम कोई बच्चों के लिए प्रोडक्ट चूज करते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे जो है हमारे लिए बहुत स्पेशल है। हमें बच्चों के लिए सिर्फ वो प्रोडक्ट यूज करना चाहिए जो ग्लोबल रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स को मीट करता हो। जॉनसन के जो प्रोडक्ट हैं 8000 क्लिनिकली टेस्ट में से गुजरे हैं और 15 ग्लोबल रेगुलेटरी जो स्टैंडर्ड है उनको मीट करते हैं। कंट्रीज के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो इसमें अलग होते हैं, उनके स्टैंडर्ड अलग होते हैं। जो बेस्ट प्रोडक्ट होता है वो सारे जो उनके रेगुलेशंस होते हैं उनको मीट करता है। तो जॉनसन एंड जॉनसन प्रोडक्ट जो है सारे 15, जैसा कि मैंने बताया, ग्लोबल रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स को मीट करता है। तो ये बेस्ट प्रोडक्ट है। जॉनसन एंड जॉनसन के जो प्रोडक्ट हैं वो पूरी दुनिया में यूज किए जाते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन, क्योंकि वो जानते हैं कि सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है बच्चों के लिए, जेंटल है बच्चों की स्किन के ऊपर और सेफ है। मैं बड़ी हुई हूँ, मैंने भी जॉनसन के प्रोडक्ट देखे हैं, और जब मैं बड़ी हुई हूँ तो मैंने खुद जॉनसन के जो है प्रोडक्ट देखे हैं, और मतलब इन्हीं के प्रोडक्ट्स के साथ जो है हमारा बचपन निकला है, मेरे बच्चे का बचपन निकला है। तो उस टाइम पे और कोई जो है बेबी प्रोडक्ट्स होते भी नहीं थे। तो इतना सेफ है जॉनसन एंड जॉनसन, और इतना ज्यादा पुराना ब्रांड है जॉनसन एंड जॉनसन। उसके बाद जो है थर्ड चीज, हम लोगों को हमेशा देखना चाहिए कि जो भी प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या डाले गए हैं, उन इंग्रेडिएंट्स के बारे में पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जॉनसन एंड जॉनसन जो है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, जो भी इंग्रेडिएंट ये अपने प्रोडक्ट के अंदर डालता है वो पीछे जो है लेबल के ऊपर जरूर मेंशन करता है, उसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट जॉनसन यूज नहीं करता है। तो सबसे ज्यादा जो है हमें इंग्रेडिएंट के ऊपर जो है रिसर्च करनी चाहिए और ध्यान देना चाहिए, जो हम अपने बच्चों के लिए प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उसके अंदर एक्चुअली क्या चीज डाली गई है, कौन से इंग्रेडिएंट यूज किए गए हैं। तो जॉनसन जो है बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट है अपने इंग्रेडिएंट्स के मामले में, बहुत ज्यादा जो है ये पीछे के बैक लेबल पे जो है पूरे अपने जितने इंग्रेडिएंट यूज करता है उसको मेंशन करता है, और इसमें कोई भी एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट ऐड नहीं किया जाता है जो कि इसके पीछे मेंशन ना हो। तो ये जो है इतना सेफ एंड जेंटल है बच्चों के लिए। तो जॉनसन के प्रोडक्ट के अंदर जो है बिल्कुल भी सल्फेट, पैराबिन, डाइज, फॉर्मेल्डिहाइड्स ये सब यूज नहीं किया जाता है, इसलिए जो है ये इतना जेंटल है बच्चों की स्किन के लिए। तो जब मैं चेन्नई मीट पे गई थी ना, तो वहां पे जो है बहुत सारी ऐसी चीजें जो मिथ थी जॉनसन को लेकर वो इरेज हुई हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें बोली जाती थी जॉनसन को लेकर कि वो सेफ नहीं है, ये नहीं है, लेकिन वो सारी चीजें जो हैं वो क्लियर हो गई हैं, और डॉक्टर्स जो हैं खुद यूज करते हैं जॉनसन के प्रोडक्ट अपने बच्चों के ऊपर, क्योंकि ये जो है इतना सेफ है ये प्रोडक्ट। तो जैसा कि मैंने बताया 8000 टेस्ट को क्रॉस करके क्लिनिकली प्रूवन जो है जॉनसन के प्रोडक्ट हैं। आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि क्लिनिकली प्रूवन एंड क्लिनिकली टेस्टेड क्या दो डिफरेंट चीजें होती हैं, उस बात का ध्यान आप हमेशा रखें।
तो मेरा जो है माइंडसेट बहुत ज्यादा जो है चेंज हुआ था जब मैं मीट में गई थी। बहुत सारी चीजें जो है इसके बारे में, इस प्रोडक्ट के बारे में मेरी क्लियर हुई थी। आई होप आप लोगों के भी बहुत सारे मिथ जो है क्लियर हुए होंगे और आप भी अपने बच्चों के लिए सबसे ज्यादा सेफ बेबी केयर प्रोडक्ट जो है वो खरीदेंगे और बच्चों के ऊपर यूज करेंगे, क्योंकि हमारे बच्चे जो है बहुत ज्यादा स्पेशल होते हैं हमारे लिए और हम जो है अपने बच्चों के लिए सबसे बेस्ट चीज यूज करना चाहते हैं ताकि उनको कोई भी हार्म ना हो। और जो जॉनसन है वो न्यू बॉर्न बेबीज जो कि अभी बहुत ही ज्यादा छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए भी बिल्कुल सेफ प्रोडक्ट है, उनकी स्किन के लिए बिल्कुल सेफ होते हैं, ये बिल्कुल जेंटल होते हैं, तो आप लोग भी जो है यूज कर सकते हैं। तो आई होप बहुत सारी चीजें जो आपकी भी क्लियर होंगी इस वीडियो के थ्रू। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, फिर मैं आप लोगों से मिलती किसी और नई वीडियो में। बाय बाय।